नमस्ते, मैं अविनाश आपका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का अच्छा मूवमेंट दिया। दो दिन साइडवेज नैरो रेंज में काम करने के बाद आज थोड़ा सा मूवमेंट दिया, वो भी आधा दिन तो उसने वही कल दो दिन जैसे ही मूवमेंट रखी और उसके बाद आधे दिन के बाद थोड़ी मोमेंटम में बैंक निफ्टी दिखी। जैसे कि मैंने ये इसमें डाला था टेलीग्राम में कि 42,690 के ऊपर ही लेना, उसके पहले लेना नहीं। जैसे मैं आपको शो करता हूँ तो टेलीग्राम का ये मैंने टेलीग्राम में मैसेज डाला था सुबह कि 42 बाय अबाव 42,690 और नियर डाउनवर्ड एंगल 42,570 विथ स्टॉप लॉस 42,530। तो नियर बोलेगा तो नीचे आया ही नहीं बैंक निफ्टी ज़्यादा, और उसके बाद बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में अटक गई। जैसे कि ये कल का जो था, ये जो हाई था वहाँ से जो उसने अपवर्ड एंगल डाला था उसको क्रॉस करके मॉर्निंग का जो हाई था उसका ऊपर का जो अपवर्ड एंगल है वो जोन में वो अटक गई। तो मैंने ट्रैप करके एक मैसेज डाला था, उसके बाद मैंने लिखा था कि 570 का आसपास अगर लेना है तो ले लेना, लेकिन वो 630 640 तक ही आई, उसके नीचे नहीं आई। और उसके बाद जब ये मोमेंटम आया 42,690 के बाद वो डायरेक्ट बैंक निफ्टी को 860 के आसपास लिया। जैसे कि मैंने 850 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था वहाँ पे जाके रुक गई। अभी उसके बाद एक शार्प फॉलिंग आई, जो डाउनवर्ड मोमेंटम जो दिखा वो एक ऐसे दिखा कि बायर जो है उसको डरा रहा है और जो बाय करके लेके जाने की कोशिश करे उनको डराने की ये कोशिश है। जैसे कि बाइंग, जब भी मार्केट बाइंग जोन में रहता है या तो ट्रेंडिंग रहता है, तो ट्रेंडिंग में ऑलवेज यही होता है कि लास्ट में जाते जाते सबका स्टॉप लॉस तोड़ने का काम करते हैं और दूसरे दिन ऊपर खोलने का काम करते हैं। तो मुझे कहीं पे वही मूवमेंट दिखाई दी कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कहीं पे ट्रेंडिंग होने जा रहा है। जैसे कल मैंने बोला था कि ये मेरा जो ऊपर से जो एंगल आ रहा है उसके ऊपर क्लोज दिया, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि वो अच्छा है और वो गुड क्लोज करके मैंने कल दिया था। तो आज भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग बेसिस में अच्छा ही है। अभी कल क्या होगा, कल के लिए सपोर्ट के तौर पे अपने को 42,550 काम करेगा और आज का जो डाउनवर्ड एंगल है वो आपको 42,430 के आसपास, और ये जो दो दिन का जो कंसोलिडेशन का मोमेंट है उसका जो लो है वहाँ से अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला है तो वो जो पॉइंट है वो करीबन 42,430 के आसपास आ रहा है। तो मेन पॉइंट यही रहेगा कि 42,400 के अंदर बैंक निफ्टी ने नहीं जाना चाहिए। अगर 42,400 के अंदर जाती है तो थोड़ी वीकनेस दिखाएगी बैंक निफ्टी और फिर अपने को 42,250 और फिर नीचे प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 250 एक्चुअली 400 के अंदर ही नहीं आनी चाहिए। 42,430 जो पॉइंट है वो बहुत बढ़िया पॉइंट है। ऊपर की साइड में 42,770 दिखेगा, ये जो ब्रेकआउट का पॉइंट है वहाँ से ऊपर अगर निकला तो वापस रिज्यूम हो जाएगी 770 का जो पॉइंट है वहाँ पे, ये आपको 770 का पॉइंट दिख रहा है। उसके बाद 42,890 इसके ऊपर का जो आप एंगल डालेंगे तो वो आपको 890 के आसपास दिखेगा, और बाद में फिर ये ऊपर ये जो एंगल आया हुआ है, ये जो अपने पहले के हाई है वहाँ से जो अपवर्ड एंगल आया है वो 43,040 के आसपास आ रहा है। तो ये तीन रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है। अभी कल क्या होगा, कल अगर मॉर्निंग में यहाँ पे ही ओपन हुआ और 780 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी नहीं गई तो थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा अप टू 42,400, फिर वो जोन 42,430। आपको एक ही बात बताता हूँ, कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में ये लोग क्या करेंगे,
एक तो राउंड फिगर के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, राउंड फिगर इज व्हाट 43,000 और सेकेंड 42,500। अगर ऊपर जाके लास्ट में अगर ढकेल दिया तो 42,500 के आसपास कोशिश करेंगे, और दिन भर नीचे रख के अगर ऊपर की साइड में लेके गए तो ऊपर की साइड में 43,000 के आसपास कोशिश करेंगे। अब ये कैसे ओपन होता है, जैसे कि अगर ये ओपन हुआ और 42,770 को क्रॉस नहीं कर पाया तो आपको वहाँ पे पुट लेके ट्राई करना है, और नीचे के साइड में अगर 42,400 समझो किसी कारणवश नीचे ओपन हुआ 42,400 में, तो वहाँ पे आपको कॉल बाय करना है। अब वो कंडीशन में आपको कौन सा कॉल बाय करना है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ 42,500 का। 42,500 का जो कॉल है, अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो आपको वो 200 में मिलेगा, 210 के आसपास मिलेगा। 210 के आसपास आप उसको लेके 180 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो 180 का स्टॉप लॉस टूटा तो आपको वही कॉल आपको 90 के रेंज में मिल जाएगा या 80 के रेंज में मिल जाएगा। वहाँ पे एक बार वापस ट्राई कीजिए, जो आपको वहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए, तो आपको वो 200 तक की मूवमेंट दे सकता है। और पहले जो मैंने बोला कि 200 के आसपास अगर लेंगे तो ऊपर की साइड में आपको वो 355 तक की मूवमेंट दे सकता है। अबाउ 355 वापस वो मोमेंटम में आएगा, क्योंकि यहाँ से जो ये इसका पॉइंट अगर टूटता है 355 के ऊपर, ये एक्चुअली तेजी में आएगा। तो यहाँ पे भी आप ख्याल रखेंगे तो बेटर है कि 42,500 का कॉल अगर आपने 200 में लिया, 210-200 के रेंज में लिया, तो 180-170 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। टारगेट रहेगा 355 के ऊपर ये ओपन टारगेट रहेगा, अप टू 500-550 का, तो ये दो टारगेट रहेगा। और अगर नीचे फिसल गया तो नीचे 90 और 80 के जोन में ले लेना, फिर वहाँ पे आपको टारगेट 300 के आसपास तक का मिल सकता है, या तो ये एंगल तक का भी आ सकता है जो आपको 300 के आसपास मिलेगा, और कभी 270 में भी अटक सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ध्यान में रखना कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देना। ओके, तो वापस मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। तो आज डाउनवर्ड एंगल में तो वो मूवमेंट आई नहीं, अपवर्ड एंगल में जब मूवमेंट दे दी तो ऊपर जाके नीचे आ गई। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि मैंने हर बार बोला है कि जब भी मूवमेंट ऊपर की साइड में क्रॉस होता है, टाइम एंगल क्रॉस होने के बाद वापस गोली अंदर नहीं आनी चाहिए। जब भी बंदूक से गोली निकलती हो तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। सेम मैं हर बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे वो वापस एंगल के अंदर आ गया तो यहाँ पे एग्जिट है, मतलब जहाँ पे एंट्री थी वहाँ पे एग्जिट है। आपने अगर यहाँ पे लिया और यहाँ पे नहीं बेच पाए तो आपको उधर ही एग्जिट करना है। लालच में वहाँ पे लेने की कोशिश मत कीजिए। फिर वो नीचे आने के बाद वहाँ पे सेल का भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत 3:15 में उसने मूवमेंट दिए तो वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा टारगेट 43,000 का है कल, लेकिन समझो किसी कारणवश 42,430 करके अगर 43,000 आता है तो मज़ा आएगा, लेकिन 43,400 का क्रूशल सपोर्ट है, वो टूटने के बाद सेलिंग का मूवमेंट आएगा। तो आप दोनों साइड में प्रिपेयर रहिए। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम में नए जो अपने व्यूअर हैं आप ज्वाइंट हो सकते हो। मैं टेलीग्राम में थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ, दो तीन मैसेज डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे टाइम एंगल के आसपास आने के बाद मैं वो चार्ट पोस्ट करता हूँ कि यहाँ पे ये पोजीशन बन रही है, क्योंकि टाइम एंगल की पोजीशन आपको आपके चार्ट पे डाल सकते हैं, लेकिन वो डालने के लिए आपको मैंने जैसे ये बताया है कि टाइम एंगल कैसे प्लॉट करना है, वो आप कर पाए तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको पोस्ट करते रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।